हाय दोस्तों, दोस्तों वाइन मेकिंग के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वाइन के लिए सस्ती चीप बोतलें कहां से ख़रीद सकते हो। दोस्तों मैंने कुछ समय पहले मैंने दोस्तों ये एक वीडियो बनाया था कि यह जो विस्की की बोतलें होती हैं इनको दोबारा कैसे आप रीयूज़ कर सकते हो वाइन डालने के लिए। तो आप ये भी देख सकते हो इसकी कैसे नोजल को निकाला जाता है, इसमें मैं ये बात आया था। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने ये अमेजोन से ये बोतलें मंगवाई है, ये बिल्कुल सस्ता में मिला है मुझे। यह सिर्फ मुझे 580 रुपये में ये देखिए ये 6 बोतलें मिली है। ये 1 लीटर कैपेसिटी है एक बोतल की। मैं आपको ये इसमें पूरा 1 लीटर पानी डालकर भी दिखाऊंगा और ये बताऊँ दिखाता हूँ कि यह बोतलें कैसी है। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं डिब्बे को ये मुझे जो डिलीवर हुआ है अमेजोन से, इसको मैं अनपैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यह देखिए, यह पूरी 6 बोतलें हैं। दोस्तों इसका ये देखिए ऊपर जहाँ से हम इसमें डालेंगे वाइन, ये मुंह भी इसका देखिए कितना चौड़ा है, इसमें वाइन भी आसानी से डल जाएगी। दोस्तों यह बोतलें आप और भी जूस डालने के लिए या दूध डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यह बोतलें बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए इसके ऊपर ये ढक्कन भी बहुत बढ़िया लगा हुआ है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा 1 लीटर का बोतल है, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इसका कांच थोड़ा ये देखिए पतला है, बाकी ठीक है, फिर भी ये रेट के हिसाब से बढ़िया बोतल है। कांच इसका थोड़ा मुझे पतला लग रहा है, लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा केयरफुली रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैं इसमें पानी डालकर आपको दिखाऊंगा, पूरा 1 लीटर वाला जो कप होता है वो वाला पानी मैं इसमें पूरा डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा क्योंकि है ये सस्ता है। तो ये देखिए दोस्तों, बोतल बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए इसमें ये दूध वाली बोतलें ऐसी मैंने विदेश में देखी थी, ये वो इसमें हम दूध भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसका ढक्कन देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। ये इसका देखिए बढ़िया चूड़ी लगा हुआ है, ये पूरा इसका ये एयर टाइट हो जाता है ये ढक्कन, ये देखिए। तो दोस्तों ये मुझे 580 रुपये में मिला है ये बोतल। तो ये मुझे 100 रुपये से भी कम मिला है ये बोतल, ये बढ़िया है। मैंने पहले भी 2 बोतलें आपको दिखाई थी, मैंने मार्केट से ख़रीदा था, वो 150 रुपये में आया था, वो थोड़ा मजबूत था बोतल इससे। तो ये थोड़ा कांच पतला है, बाकी ये बढ़िया है बोतल, इसको तो केयरफुली रख सकते हो आप। तो ये वाइन डालने के लिए, दूध डालने के लिए और जूस डालने के लिए बहुत बढ़िया बोतल है। मैं इसका बाय लिंक आपको ये मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से इसको बाय करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें पानी डालकर दिखाता हूं कि इसके में 1 लीटर पानी डालता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये दूध वाला जिसमें मैं दूध वाला को दूध डालता हूं, जो पूरा 1 लीटर का कप है, तो ये मैंने पानी डाल लिया है। अभी मैं बोतल में आपको पानी डालकर दिखाता हूँ कि इसमें 1 लीटर पानी डाल जाता है कि नहीं। तो दोस्तों यह देखिए, सारा पानी इसमें डल चुका है। ये देखिए 1 लीटर ये अभी भी इसमें कैपेसिटी पड़ा हुआ है, थोड़ा पानी मेरा डालते हुए गिर गया नीचे। तो 1 लीटर पूरा देखिए, 1 लीटर से भी ज़्यादा है ये इसकी कैपेसिटी है बोतल का। तो ये बहुत ही बढ़िया है 1 लीटर के लिए। तो ये इसका ढक्कन भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसको देखिए मैं अभी उल्टा कर दिखाता हूँ कि इसमें से ये पानी, इसको टेढ़ा हो जाने से पानी गिरता है इसमें या नहीं, ये पूरा सील है कि नहीं ये ढक्कन। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको उल्टा कर दिए हूँ, ये देखिए इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं गिरा, यानी कि ये बहुत बढ़िया ढक्कन है, पूरा एयर टाइट ढक्कन है इसका। ये देखिए, मैंने ये इसको उल्टा कर आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इन बोतलों को 4 स्टार देता हूँ। थोड़ा मुझको इसका कांच थोड़ा ज़्यादा पतला लगा, बाकी बढ़िया है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये खरीदना हो तो आप लिंक पर जाकर जिसको बाय कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।